कुंभ राशि के लोग कला, संगीत, शिल्प और साहित्य में रुचि रखने वाले होते हैं। इस राशि के लोग आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा अपने भीतर रखते हैं। जो भी कार्य करते हैं उसे पूरे दिल से पूरा करते हैं, किंतु तीव्र क्रोध इनका सबसे बड़ा अवगुण होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले करियर के लिहाज से बात करें तो कुंभ राशि वाले लोगों को अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, इससे बेहतर रिजल्ट पाने में वो सफल होंगे। नौकरी या व्यापार में परिवर्तन के लिए अप्रैल और मई का महीना इनके लिए उत्तम है। साल के उत्तरार्ध में निश्चित ही समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। व्यवसाय में तरक्की होने की संभावना भी दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो प्रारंभ में निश्चित ही थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। मानसिक परेशानियों का सामना वर्ष पर्यंत हो सकता है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना साल के अंत में दिखती है। परिवार का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो कार्य में अच्छे प्रदर्शन से आर्थिक स्थिति निश्चित ही सुधार में रहेगी। अप्रैल से सितंबर के दौरान विशेष लाभ होने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही धन संचय करने में असफल जरूर हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां वर्ष पर्यंत कुंभ राशि वाले लोगों को हो सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ तकलीफ परेशान भी कर सकती है। एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं परेशान करेंगी। खानपान और व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अब बारी उन लोगों की जो कि परीक्षा और प्रतियोगिता में लगे हुए हैं और कुंभ राशि के जातक हैं। परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों को निश्चित ही इस साल सफलता मिलने के योग हैं। इसके अलावा मानसिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती रहेगी। परिश्रम का उचित फल इस साल प्राप्त हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आपको वर्ष पर्यंत क्या उपाय करना है। कुंभ राशि के जातकों को सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में साल भर जलाते रहना है। इसके अलावा शनिवार के दिन चींटियों को मीठा आटा जरूर खिलाएं। शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। भोजन में उड़द की दाल, चना दाल और काली मिर्च का उपयोग जरूर करें। आपका समय शुभ हो। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।